नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज यार मैं अपना हंसते हुए दुख बताना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो यार जो है पहले कुछ दिनों पहले अपडेट आई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपकी जो ऑफलाइन काउंसिलिंग होने वाली है 3 नवम्बर को, हालांकि उसको जो अपडेट कर दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है। आपकी जो ऑफलाइन या फिर ओपन काउंसलिंग कंडक्ट होने वाली थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। अभी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी 3 तारीख को, तो कोई भी बच्चा जो है विजिट ना करे, ऑफलाइन ना जाए। आपकी जो पीजी की जो ऑफलाइन काउंसलिंग थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की, उसको शेड्यूल कर दिया गया है, रीशेड्यूल कर दिया गया। तो यार कोई भी बच्चा वहां पर ना पहुंचे, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी आप लोगों का फ्रेंड सर्किल है उन सब तक इस वीडियो को जरूर से पहुंचाए, बिकॉज इससे बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो सकते हैं। एंड जस्ट लाइक मैं जो आज ये दुख बताते हुए, ठीक है, हंसते हुए अपने देश का दुख बताना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से बहुत सारे गर्ल्स स्टूडेंट के, बहुत सारे बॉयज स्टूडेंट के, स्पेशली बहुत सारे गर्ल्स स्टूडेंट के मैसेजेस, क्वारीज, कॉल्स आ रहे हैं लगातार। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यार हमारे पास पर मिनट के अंदर 10 कॉल आते हैं, 1 मिनट के अंदर 10 कॉल, जहाँ पे हम सिर्फ 3 को जवाब दे पाते हैं, हालांकि हम सभी की रिप्लाई करते हैं। बहुत सारे ऐसे गर्ल्स स्टूडेंट हैं स्पेशली बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, जिनका ये कहना है कि भैया स्पेशली यार मैं अगर बात करूँ पीजी वाले बच्चों की, तो उनकी जो है इंडिया के अंदर जो सीयूटी में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कोई बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते, दिस इज बिलोंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिलीज, और वो ये चाहते हैं कि एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाए और जो है फीस काफ़ी कम हो और उनका जो है भविष्य बेहतर बने। क्योंकि यार वो बच्चे होते हैं जो कि ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं, शहर के छोटे छोटे कॉलेजों में बीएससी जैसी डिग्री ले रहे हैं, और उनको जब पता चलता है सीयूटी जैसी एग्जामिनेशन का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी वही बच्चे जाते हैं स्पेशली जो कि ग्रामीण इलाकों से, राजस्थान, बिहार, छोटे छोटे शहरों से, जो कि बीएससी जैसी डिग्री ले रखी है। पीजी वाले बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उनको ये लगता है कि यार ऐसी ऐसी डिग्रीज करके उनका भविष्य जो है, जस्ट लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमएससी वगैरह करके उनका भविष्य अच्छा हो जाएगा। ऑलमोस्ट स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मैं एक टीचर बन जाऊंगा या फिर गवर्नमेंट यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। गर्ल्स स्टूडेंट का बहुत सारों को एक क्वारी रहता है कि भैया मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे को मेरे शहर में पढ़ना है, हमारे घर वाले जाने नहीं देते बाहर। अभी भी इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हैं, स्पेशली बिहार के अंदर बहुत सारे लॉट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट आई रिसीव क्वारी रिगार्डिंग दिस कि भैया हमें अदर स्टेट में नहीं जा सकती, हम जो है बाहर नहीं जा सकते, हमारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो हम क्या करें, हमारी क्या क्वारीज है, हम कहाँ पे जाएं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रिगार्डिंग दिस प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ, चाहे वो DU हो, चाहे वो CUET PG एग्जामिनेशन हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जस्ट लाइक हरियाणा, राजस्थान का मेरिट लिस्ट जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है वो जल्दी आने वाला है। हरियाणा का जो है 3 तारीख को फिर से अलॉटमेंट आने वाला है, ऑनलाइन ही आएगा। हालांकि ये जो है ऑफलाइन आने वाला था लेकिन उसको रीशेड्यूल कर दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका ईमेल डाला, हमने भी ईमेल डाला था यूनिवर्सिटी को। हमारा बेसिक ये क्वारी था कि भैया इतनी सारी जब सीटें बची हुई हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि विजिट नहीं कर सकते और उनके अच्छे मार्क्स होने के बाद भी उनको जो है सीटें नहीं मिल पाएगी, सो प्लीज कंडक्ट दिस ऑनलाइन वोट। तो हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने ये नोटिस रिलीज कर दिया रिवाइज का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी दिन हो चुके हैं इस बात को कि आपकी जो है ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है 3 नवंबर को। 6 नवंबर तक आपका फीस पेड का ऑप्शन रहेगा, अगर फिर उसके बाद में अगर होती है तो फिर स्पॉट एडमिशन के बारे में सोचा जाएगा, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन होता है। हालांकि ऑफलाइन काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि लॉट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो ऑफलाइन आने में बिल्कुल भी सपोर्टेबल नहीं है, स्पेशली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट एंड बॉयज स्टूडेंट। अगर एक गर्ल्स स्टूडेंट आती है, ठीक है, झारखंड से कम उसके साथ एक पेरेंट्स भी आता है, ठीक है, उनको ठहरना भी पड़ता है, रुकना भी पड़ता है, ट्रेवल भी करना पड़ता है। तो इन सब कारणों को मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने पीजी की काउंसिलिंग को रीशेड्यूल कर दिया गया है, ऑनलाइन कंडक्ट किया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर जो है ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट की गई थी, आज ही कंडक्ट की गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट को अलॉटमेंट आए, बहुत सारे स्टूडेंट को अलॉटमेंट नहीं आई, जो कि निराश होकर काफ़ी सारे बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, अभी ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे होंगे। लेकिन यार अभी भी आपको बिल्कुल रुकना नहीं है, इस नवंबर मंथ के अंदर जो है खूब जी जान लगा के ट्राई करो, ठीक है, कि मेरे को कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। बिकॉज यार आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करते हैं ये कॉलेजेस कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना।
और ऐसे आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो कि मेरे को कोई कॉलेज मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। उसके लिए हमारा बोर्ड लाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप लोग इसको जरूर से, और जस्ट लाइक मुझे बहुत ही ये हंसते हुए दुख बताना पड़ रहा है हमारे देश का कि CUET जैसी एग्जामिनेशन से स्टूडेंट इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड या इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि उनको ऐसे सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो CUET PG के जो कैंडिडेट है, जो गर्ल्स स्टूडेंट है, ठीक है, जिनकी एज हमारे, अगर यार मैं बात करूँ जैसे एनवायरनमेंट की, कल्चर की, अगर कोई जस्ट लाइक गर्ल्स स्टूडेंट, कोई लड़का है, अगर वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, 20-21 साल का हो जाता है, तो परिवार का बेसिकली यही क्रिटिसाइज करना लगते हैं कि भैया शादी कर दो इसकी। और वही काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इश्यू फेस करना पड़ रहा है एंड वो जस्ट लाइक बाहर निकल ही नहीं पाते, वो देख ही नहीं पाते रियल के अंदर कि हमारा संसार है कैसा, बाहर क्या करते हैं लोग, कैसे जीते हैं, ये शहर के लोग क्या करते होंगे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं यार। स्पेशली राजस्थान में बहुत सारी जगह ऐसा होता है, बिहार में, झारखंड में तो बहुत ही ज़्यादा हालात खराब है, राइट। तो आप लोग आई होप इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे और जस्ट लाइक खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।